स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है गुप्ता पीरियड, जो कि बीएससी फैशन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और इनका यूनिट है थर्ड, सब्जेक्ट वर्ल्ड आर्ट एप्रिसिएशन बीएससी एफटी 304। गुप्ता पीरियड जिसकी शुरुआत हुई 320 से लेकर 750 बीसी तक, गुप्ता पीरियड अपने आप में एक ऐसा पीरियड रहा जो भारतीय इतिहास में सबसे स्वर्ण युग के नाम से या गोल्डन पीरियड के नाम से जाना गया। इसका एम्पायर वैसे मगध से शुरू हुआ था, जो मगध और इसकी पाटलिपुत्र राजधानी थी साकेत मथुरा उत्तर भारत से होता हुआ पूर्व में थोड़ा और साथ में मध्य मालवा तक जा पहुंचा। मध्य मालवा में ये उज्जैनी तक पहुंचा, साथ में झांसी नागदा ये आदि क्षेत्र इनके कंट्रोल में थे। उज्जैनी जो कि उस समय अवंतिका के नाम से जानी जाती है, आगे चलकर ये भी राजधानी बनी। गुप्ता पीरियड में सबसे पहले घटोत्कच जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की, इनके बेटे थे श्री कुमार गुप्त। श्री कुमार गुप्त के बेटे हुए चंद्रगुप्त प्रथम, यहीं से शुरुआत ही, उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया और उसके बाद जो गोल्डन पीरियड आया वो था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी और कला प्रेमी और शिल्पकार के प्रेमी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया, साथ में उनकी संगीत कला के अंदर बड़े बड़े महान कलाकार और संगीतकार आर्टिस्ट भी आते थे। उनके समय में जो यात्री चीनी यात्री भारत फायान आए थे और इस तरह से एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति तक लाने ले जाने का काम भी इसी पीरियड में हुआ। गुप्ता पीरियड के में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि इन्होंने स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का प्रथम बार निर्माण किया और आदान प्रदान व्यापार में सबसे पहले इन्होंने ही किया। गुप्ता पीरियड में सबसे चीज़ एक खास बात देखने को ये मिली कि इन्होंने अपने आश्रयदाता जो हिंदू जैन और बौद्ध तीनों को आश्रय दिया और तीनों को फलने फूलने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने उज्जैनी अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पर आज जिनको राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आज भी उज्जैन में सबसे ज़्यादा राजा विक्रमादित्य के राज के अवशेष आज हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने चहुमुखी प्रतिभा का वर्णन किया, उनके राज्य में 9 रत्न थे, उसमें से कुछ कालिदास वराहमिहिर और बाणभट्ट आदि, पंचतंत्र की रचना भी इन्हीं के काल में हुई। कई छोटी मोटी कहानियाँ इनके पास मिलती है कि ये 32वीं सिंहासन के महाराजा थे, यानी इनको इतना नॉलेज था कि ये अपने नॉलेज से 32 कलाओं का ज्ञान रखते थे। राजा विक्रमादित्य के बाद धीरे धीरे स्कंदगुप्त के बाद ये राज्य समाप्त हुआ, लेकिन इस काल में सबसे ज़्यादा अगर ज्वेलरी डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात करें तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर के आर्नामेंट्स के बनाने का काम कारीगरों के द्वारा किया गया, जो नक्काशी लिए हुए था, और साथ में इन्होंने उत्तरिया और अंतरिया का भरपूर उपयोग किया। कढ़ाई के साथ साथ गोल्डन और सिल्वर तारों को भी इन्होंने यूज़ में लिया। क्लॉथिंग के मामले में अगर गुप्ता पीरियड में कहें तो पहली बार सिले हुए गारमेंट इस युग में पहने गए, स्लीव्स और अलग अलग प्रकार के ट्यूनिक जो ब्रोकेट के बने हुए होते थे उन्होंने इसको यूज़ किया। कॉस्ट्यूम में भी अलग अलग प्रकार के ब्लू ग्रीन आदि कलर को उन्होंने यूज़ किया। सिल्क का अंतरिया ज़्यादातर ये लोग पसंद करते थे, ब्लॉक प्रिंट पैटर्न वाली होती थी जो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न से बनी हुई होती थी। इसमें फॉरेन से आया गया कपड़ा और भारत का दोनों मिला के एक नए फाइबर से नए नए कपड़ों की वीविंग शुरू हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पीरियड के अंदर अलग अलग प्रकार के नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए। साथ ही जो इनके नेकलेस होते थे उनके स्पेशली नाम रखे गए थे, जैसे मुक्तावती नेकलेस और अलग अलग पर्ल से बने हुए थे अंतरिया उत्तरिया, साथ में उनकी बॉर्डर को भी ये हैंगिंग वगैरह से सजाते थे। गार्ड रहता था, गार्ड का अपना अलग ड्रेसिंग सेंस था। इस पीरियड में
थोड़ी एक चीज़ और देखने को हमें मिलती है कि इन्होंने व्यक्ति के ऑकेशन के हिसाब से ड्रेस का कोड रखा गया। अगर मिलिट्री कोड है तो उसका अलग रहेगा, गार्ड अलग रहेगा, राजा रानी इनके अलग रहेंगे, सबके अलग अलग ड्रेस कोड होते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि मिनिस्टर जो अपने बालों को खुला रखते थे, महिला और पुरुष दोनों होते थे और वो अपने एक ही तरह की ड्रेस को यूज़ करते थे। हॉर्स राइडर जो होते थे एक प्रकार का डंगरी फैब्रिक यूज़ करते थे, साथ में टाइट कैप पहनते थे जिससे अगर वो हॉर्स राइडिंग करे तो वो उसकी गिरे नहीं। इस तरह से फीमेल क्लॉथिंग में देखेंगे तो अपर पार्ट बॉडी के ऊपर उन्होंने कम यूज़ किया लेकिन अंतरिया को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। जो लुंगी नुमा होता था बारों को और हेयर स्टाइल को अलग अलग तरीके से इन्होंने बांधा। स्ट्रिप्स गारमेंट को इन्होंने यूज़ किया क्योंकि आप अलग अलग फैब्रिक को अलग अलग तरीके से पहले टाई एंड डाई किया जाता था लेकिन इस पीरियड में पैटर्न के साथ साथ स्ट्रिप भी एक नए पैटर्न के रूप में फैशन में डेवलप हुई। स्ट्रिप यानी लाइनिंग को इन्होंने अलग अलग कलर से डाई करके उसके बाद इसको वुवन में डाला। इस तरह इसकी खूबसूरती और आगे बढ़ गई। आर्नामेंट्स में ये नाग और मोर तोता आदि आर्नामेंट्स में अपने मोटिफ को डालते थे। साथ में ब्लाउज़ और जो चोली होती थी वो बहुत खूबसूरत होती थी और कभी कभी वो अपर गारमेंट ये लोग यूज़ नहीं करते थे। साथ ही जो राजा के पास सेविका होती थी, मेट सर्वेंट होती थी, वो शॉर्ट धोती पहनती थी और साथ में अपने पीछे एक लंबा बेल फीता डालती थी। हेयर के ऊपर अलग अलग रिबिन से ये अपने ड्रेस कोड को तैयार करती थी। इसके बाद कोट लेडी जो होती थी वो छोटा स्कर्ट और हेयर के ऊपर एक हैंगिंग वॉल लगाती थी। इसी तरह जो ओल्ड महिला रहती थी वो सिंपल ड्रेस यूज़ करती थी। मेट सर्वेंट और लगभग कोट लेडी का ड्रेस लगभग एक समान था, केवल हेयर स्टाइल से वो अपने आप को अलग करती थी। डांसिंग गर्ल्स जो होती थी वो अपने आप को बहुत मेकअप के साथ रखती थी, अलग अलग स्टाइल में वो ड्रेस को पहनती थी। फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स और साथ में शोल्डर लेस स्लीव्स को भी इन्होंने अपनाया। इसी तरह से जो दाई माँ होती थी वो बच्चों के साथ रहती थी, वो फुल ड्रेस पहनती थी। कभी कभी इन्होंने लॉन्ग लहंगे के ऊपर कुर्ते नुमा एक गारमेंट तैयार किया जो कुछ मुस्लिम एरा का ईरानियन का उसमें लुक देता है, क्योंकि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत में यूनानी सभ्यता ईरानी सभ्यता आ चुकी थी तो कुछ ट्रेंड हमें इसका भी मिलता है। राजा जो होता था वो अपनी ड्रेस कोड को अलग तरीके से रखता था, कई बार नी लेंथ तक की धोती और साथ में कभी कभी पीठ पट्टा यूज़ भी करता था, साथ में पीताम्बर यूज़ करता था और हेड गेयर को अपने सिर के पीछे लगाता था। लॉन्ग हेयर रखने की फीमेल और मेल दोनों ने बराबरी से यूज़ किया। गुप्ता हेड गेयर और हेयर स्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस पीरियड में छोटे छोटे बन के रूप में अलग अलग फोरहेड पर, गर्दन के नीचे, हर जगह इन्होंने बन को बनाकर यूज़ किया। और जब बन यूज़ करते हैं तो उसको अलग अलग फ्लावर्स, पर्ल, मोती सभी चीज़ से इन्होंने डेकोरेट किया। फोरहेड के अंदर इन्होंने मांग टीका को अलग अलग स्टाइल में 3 स्टेप 4 स्टेप तक लेकर गए। कान की बाली का साइज बढ़ाया गया। बंद गले का नेकलेस भी इस पीरियड में यूज़ हुआ। सुबह से ये लोग उठकर पहले फ्लावर का श्रृंगार करती थी, उसके बाद फिर दिन में ये ऑर्नामेंट्स का श्रृंगार भी करती थी। इस तरह से अगर मेल हेयर स्टाइल की कहें तो मेल कई जगह छोटे मुकुट का भी हेडगेयर के रूप में यूज़ किया, पगड़ी का भी इन्होंने यूज़ किया, कई जगह अपने हेयर को ओपन भी रखा। लेकिन ये भी जब युद्ध या अन्य जगह जाते थे तो अपने हेयर को 3 बन या 2 बन में तैयार करते थे। प्रिंस और प्रिंसेस की हेयर स्टाइल अपने समय के अनुसार डेली चेंज होती थी, जो अपने लॉन्ग लंबे बालों को अलग अलग तरीके से सजाते थे। यहाँ पर ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा महत्व था। यज्ञ और वैदिक रीति को भी इन्होंने अपनाया और जो ब्राह्मण और साथ में जो भी लोग रहते थे इनके राजा सामंत, उनका एक अपना फैशन का अलग से ट्रेंड था। गुप्ता पीरियड एम्पायर अगर ज्वेलरी की हम बात करते हैं तो हारा, कंगन, ब्रेसलेट, पैर के एंकलेट और एक झांझर के रूप में भी इन्होंने अलग अलग यूज़ किया। सुतारा और चेन नेक के अंदर पहनने की पहली बार इस पीरियड में
ट्रेंड आया। इसके पहले कहीं भी चेन को गले में पहनने का ट्रेंड नहीं था। इस प्रकार अगर हम देखें तो कमर के अंदर ग्रीडल और थाई लेंथ तक ग्रीडल को डेकोरेट किया गया और साथ में पायल को भी इन्होंने दिया। फ्लावर के साथ कान के कुंडल को इन्होंने अलग अलग डिज़ाइन में, फिश आकार में, मोर आकार में इन्होंने एलाब्रेट किया। इस तरह टेक्सटाइल एंड डाइंग की बात करें तो इन्होंने मसलिन, कॉटन और सिल्क तीनों का भरपूर उपयोग किया। गर्मी और सर्दी और ठंड तीनों मौसम के ये फैब्रिक बनाते थे। उलन का फैब्रिक तो सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, उसको धीरे धीरे और डेवलप करके और फाइन बनाते गए। चेक्स, स्ट्रिप्स, बर्ड्स, एनिमल्स मोटिफ, स्वान, डियर, एलिफेंट, सभी प्रकार के मोटिफ इस पीरियड में हमें देखने के लिए मिलते हैं। टाई एंड डाई, फ्लोरल प्रिंट और अलग अलग पैटर्न के साथ इन्होंने जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके मोटिफ को भी इन्होंने यूज़ किया, जिसमें स्वास्तिक, कलश ये भी इन्होंने लिया। अगर फार्मर की बात करें तो सिल्क को भी इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। कॉटन तो ये लोग उगाते थे लेकिन साथ में फ्लेक्स का भी इन्होंने भरपूर उपयोग किया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रिंट का भी इसी पीरियड में उत्पत्ति हुई। उज्जैनी में आज भी राजा विक्रमादित्य के समय की ब्लॉक प्रिंट आज भी वहाँ पर जिंदा है, जो नेचुरल तरीके से टाई एंड डाई की जाती है। इसी तरह इन टाई एंड डाई के साथ यहाँ का जो कपड़ा था विदेशों में भी जाता था, वुवन और नॉन वुवन दोनों बनाया जाता था। बनारस से लोग ब्रोकेट लेकर आते थे और उसको अपने गारमेंट के अंदर शामिल करते थे। ब्लैक एंड वाइट कलर की चेक पैटर्न इन लोगों की सबसे पसंद थी। फ्यूजन भी इन्होंने कई किया, हैंड एम्ब्रॉयडरी का भी इन्होंने यूज़ किया। मिलिट्री कॉस्ट्यूम की बात करें तो ये इसमें क्षत्रिय लोग जो ज़्यादा थे इसके कारण इन्होंने अपने सिर पर बन बांधने के बाद अपनी दाढ़ी और मूछ रखकर हैवी लुक देते थे अपने बॉडी का, ताकि व्यक्ति को अपना ताकत को दिखा सके। साथ में अगर मिलिट्री कॉस्ट्यूम की बात करते हैं तो कॉस्ट्यूम में टाइट ट्यूनिक को भी इन्होंने पहना और शॉर्ट कवच को भी इन्होंने पहना। तलवार के साथ इन लोगों के पास हाथ को रोकने के लिए अलग अलग स्टाइल के डिज़ाइनर थाल या भाले थे। और इस पीरियड में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि लोह, तांबा, कांसा तीनों चीज़ इनके पास होने के कारण इन्होंने हथियारों का भी भरपूर उत्पादन किया। इस तरह से अगर ये देखा जाए तो कुल मिलाकर संस्कृति के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, आर्किटेक्चर और कल्चर सभी में चारों तरफ से स्वर्णिम युग की इस पीरियड में उन्नति की गई। धन्यवाद।